हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सोलार सब्सिडी से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उसके ऊपर कई सारे व्यूवर्स के हमारे कमेंट आ रहे हैं कि सर, हम सोलार इंस्टॉल करना चाहते हैं सब्सिडी में, लेकिन इम्पैनल वेंडर्स हम कहां से ढूंढें या फिर हमको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहाँ मिलेगी, तो इस बारे में हमें कुछ बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप इम्पैनल वेंडर्स की लिस्ट कहाँ से ले सकते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप कहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है नेशनल पोर्टल solarrooftop.gov.in इस पे। तो ये देखिए, सोलार का नेशनल पोर्टल हमारे सामने ये ओपन हो गया। तब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ये हॉरिजेंटल लाइन में हमको देख रहे हैं, जैसे ये होम आइकॉन है, व्हाट इज़ न्यू, सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर, डिस्कॉम इन्फॉर्मेशन। तो डिस्कॉम इन्फॉर्मेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ डिस्कॉम, पोर्टल लिंक्स ऑफ डिस्कॉम्स, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो पोर्टल लिंक्स ऑफ डिस्कॉम पे हमको क्लिक करना है। देखिए, जब हम पोर्टल लिंक्स ऑफ डिस्कॉम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको स्टेट्स के नाम देगा कि कौन सा स्टेट है और उस स्टेट में कौन से पोर्टल्स है जो सब्सिडी में काम कर रहे हैं, और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। तो अभी हमको और देखना है कि भाई वेंडर की लिस्ट हमको कैसे लेना है। फॉर एग्जांपल, मैं हूँ महाराष्ट्र से, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा स्टेट सेलेक्ट करूँगा, स्टेट और यूटी नेम में देखूँगा मैं महाराष्ट्र किधर है। महाराष्ट्र, ये देखिए, अब महाराष्ट्र में चार डिस्कॉम है, लेकिन सबसे बड़ा डिस्कॉम महाडिस्कॉम है, बाकी अडानी, टाटा और ये बेस्ट अंडरटेकिंग ये और भी है। तो हम आ जाते हैं महाडिस्कॉम पे। मान लेते हैं कि आप महाडिस्कॉम के कंज्यूमर हैं, अगर आप टाटा या अडानी के होंगे तो आप उस पोर्टल पे जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम महाडिस्कॉम के कंज्यूमर हैं, महाडिस्कॉम पे हम आ जाते हैं। तो ये हमारे सामने महाराष्ट्र का सब्सिडी का पोर्टल ओपन हो गया। तो यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड पे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं, एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसे करना है वो भी यहाँ पे, लेकिन हमको चाहिए इम्पैनल वेंडर की लिस्ट। तो यहाँ पे टॉप में देखिए तीन ऑप्शन है, होम, पैक और इम्पैनल्ड एजेंसी लिस्ट। तो इम्पैनल्ड एजेंसी लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने आ गई लिस्ट एजेंसी की। अब आप चाहते हैं कि आपके पर्टिकुलर एरिया या सिटी की लिस्ट आप चेक करें, तो यहाँ ऑल जोन्स में आइए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पुणे में जाता हूँ, पुणे में अब मुझे जितना सोलर सिस्टम बिठाना है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर 6 किलोवाट बिठाना है तो 3 से 10 किलोवाट के बीच में 6 किलोवाट आएगा, तो ये लीजिए स्लैब। अब ये 3 से 10 किलोवाट का इंस्टॉलेशन करने वाले इम्पैनल वेंडर्स जो आपको सब्सिडी दिलवाएंगे, उनकी लिस्ट आपके सामने आ गई। यहाँ पे एजेंसी का कोड है, एजेंसी का नाम है, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पे इसके है। तो ये महाराष्ट्र के लिए था। अगर आप किसी और स्टेट से हैं, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, तो आइए उत्तर प्रदेश ढूंढते हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए यूपी नेडा सोलार ये पोर्टल बनाया हुआ है यूपी गवर्नमेंट ने। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश की सोलार सब्सिडी का लिंक यहाँ पे खुल गया है। तो यहाँ पे एक नोटिस दे रहा है कि भाई पहले आप जाके solarrooftop.gov.in पर अपना सोलर सब्सिडी का एप्लीकेशन कीजिए। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई जो इम्पैनल वेंडर से उत्तर प्रदेश के या फिर उनको अप्रूव्ड फर्म्स कहा गया वो कहाँ मिलेंगे। तो ये फिर से हॉरिजॉन्टल बार पे देखिए, ये इम्पैनलमेंट ऑफ फर्म्स दिख रहा है, नीचे अप्रूव्ड फर्म्स ये दिख रहा है ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सारे इम्पैनल वेंडर्स की लिस्ट हमको मिल जाएगी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो आप कॉल करके उनसे डिटेल्स ले सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कोई और, जैसे मैं देखता हूँ कि भाई गुजरात, तो गुजरात कहाँ गया हमारा, ये देखिए गुजरात में अगर मैं आ गया, ये कोई एक आप जो कंज्यूमर हैं उस हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए आपका डिस्कॉम। फॉर एग्जांपल, मैंने ये ले लिया। अब ये देखिए, ये गुजरात का हमारे सामने पोर्टल खुल गया। अब यहाँ पे फिर से देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन इन्होंने इंस्टॉलर्स का दिया है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलर्स की लिस्ट, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे अप्रूव्ड फर्म्स या इम्पैनल्ड वेंडर्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो भी पर्टिकुलर स्टेट है, अगर आप इन तीनों स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से हो
तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का यहाँ पे गिवन है, तेलंगाना का है, सारे डिस्कॉम्स का है। अगर आपको दोस्तों आपके स्टेट के डिस्कॉम की या फिर इम्पैनल वेंडर की लिस्ट नहीं मिल रही है, तो मेरा सजेशन है कि आप क्या कीजिए, जो लोकल इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस है वहाँ जाके आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे डिटेल्स लीजिए, आपको ज़रूर वो हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।